कांग्रेस इस वक्त बहुत ही विपरीत हालातों से गुजर रही है। पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। आए दिन कांग्रेस के दो चार नेता पाला बदल कर भाजपा में शामिल भी हो रहे हैं। कभी पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रहे नेता पाला बदलते ही भूपेश बघेल के खिलाफ तीखे हमले कर रहे हैं। पार्टी के पूर्व प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने आज भाजपा प्रवेश किया। भाजपा में शामिल होने से पहले ही उन्होंने भूपेश बघेल को गोबर चोर कहकर संबोधित कर दिया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष व संगठन में प्रभारी मंत्री रहे चंद्रशेखर शुक्ला ने आज कवर्धा में भाजपा ज्वाइन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के मंच से अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता ने तो चारा खाया था, लेकिन यहाँ के नेता ने गोबर खाया है। भूपेश बघेल गोबर चोर है। ऐसे गोबर चोर के साथ उन्हें रहने में काफी दिक्कतें थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और इंडिया गठबंधन के नेता मन तो चारा खाते, हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गोबर खाए, गोबर चट्टा सुने हो आप मन कहीं भी अब गोबर चटैया नहीं दिखाते। जब तक गोबर चटैया नहीं तब फर्क ही नहीं। इतना गोबर चट्टा मन संसार काम करे में मुझे असुविधा होत रही। यही असुविधा में मैं यहाँ माननीय पवन साय जी, नितिन जवन जी, अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, विजय पाल शर्मा जी, संतोष जी के नेतृत्व में आज भाजपा ज्वाइन करता हूँ। निश्चित तौर पर आप उनके आशीर्वाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।